दाऊद सलीमी, आपने पूरे पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप इस टाइम एलोकेटेड हैं, और एक जो बहुत बड़ा इशू जो हमारे सीएसएस एस्पायरेंट्स को आता है वो ये आता है कि पढ़ तो सब लेते हैं, ठीक है, किताबें भी ले ली, इंटरनेट से पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, लेकिन उस नॉलेज को रिटेन कैसे करना है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये मेरे ख्याल में हमजा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिटेंशन ऑफ नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, एंड अनलाइक पॉपुलर ओपिनियन जो ये मानता है कि सीएसएस टोटली एक रट्टे की बुनियाद पर होने वाला एग्जामिनेशन सिस्टम है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। लेकिन फिर भी इसके अलावा मुझे लगता है कि रिटेंशन ऑफ नॉलेज के हवाले से कि आपकी जो आर्ग्यूमेंटेशन है उसके डिफरेंट एंगल्स हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कोटेशंस वगैरह हैं या स्टेटिस्टिक्स हैं, इनका बहरहाल थोड़ा बहुत रोल होता जरूर है। और ये रट्टे वाली चीज नहीं है, ये आपके वैसे भी आपको ये आनी चाहिए। ये आपको अगर आर्गुमेंटेशन के डिफरेंट एंगल्स भूल रहे हैं एग्जाम में तो वो क्रिमिनल हो सकते हैं एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए मैं कुछ जो मैंने चीजें फॉलो की थी वो सजेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई एक सिंगुलर अप्रोच हर इंसान के लिए नहीं है। कुछ लोगों की नेचुरली याददाश्त बहुत अच्छी होती है, ठीक है, वो चीजें देखते हैं, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती तो उन्हें याद रह जाती है, उनके लिए एक डिफरेंट तरीकेकार होगा। जो मेरी तरह के लोग थे, जैसे मुझे भी बड़ा मसला होता था नॉलेज को याद रखने में, रिटेन करने में, तो मैं कोशिश करता था कि उसको ज्यादा से ज्यादा लिखूं, अपने नोट्स बनाऊं तो उनमें बार बार लिखूं, चाहे सॉफ्ट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में। क्योंकि जब आप चीज को लिखते हैं ना, वो पूरा आप उसे एक प्रोसेस से गुजारते हैं अपने दिमाग के, तो आपके दिमाग में उसकी रिटेंशन के इम्कान जो है, चांसेस वो बढ़ जाते हैं। तो लिखना एक तो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इसमें ये चीज आ गई कि अब लिख रहे हैं तो लिखें भी फिर स्मार्टली, के दिमाग आपका जिस तरीके से ट्रेन हुआ हुआ है उसको वो चीजें याद रखने में आप थोड़ा हेल्प करें। हर कैटेगरी को एक कलर असाइन करें, बल्कि पैराग्राफ्स लिखने की बजाय आप बुलेट पॉइंट्स लिखें, कीवर्ड्स लिखें, आप नॉलेज को ऑर्गेनाइज करें फ्लो चार्ट्स में, ग्राफ्स में, टेबल्स में, ताकि आपका माइंड जब उसे देखे तो वो एकदम बल्कि पैराग्राफ से घबरा ना जाए, बल्कि उसको ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में जब नजर आएगी तो वो डिफरेंट न्यूरॉन्स में अपने आप को आसानी के साथ उस इंफॉर्मेशन को मैप भी कर पाएगा, कलर स्कीम के लिहाज से, इस चीजों के लिहाज से। तो आपने देखे ना, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अपने माइंड को ट्रेन करना है, तो वो ट्रेन इसी तरीके से होगा कि बार बार उसको दिखाएं, एक सर्टन कैटेगरी का कलर उसको असाइन करें कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मिडिल कैटेगरी की है, ये लेस, ये लोअर कैटेगरी की है, तो वो खुद ही 6 से 7 महीनों में ट्रेन हो जाएगा। तीसरी आपने ये चीज कोशिश करनी है कि एक तो लिख तो रहे हैं, ये हैबिट्स अपनाएं जो कि और भी बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं, जो मैंने अप्लाई और वाकई इसका बहुत फायदा होता है कि बार बार जब वो आपकी नजरों के सामने से कोई इंफॉर्मेशन गुजरती है ना, तो विद टाइम वो खुद ही अब्जॉर्ब होती जाती है। तो आप कोशिश करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स हैं, अगर कोटेशंस हैं, रेफरेंसेस हैं, उनको आप एक किसी बड़े से चार्ट पे जो है ना ऑर्गेनाइज करके इफेक्टिवली मिनिमल स्पेस में अपनी कबर्ड पे पेस्ट कर लें, या ऐसी जगह पे जहाँ पे उठ के आपकी रोज सुबह उस पर नजर पड़नी है। तो आप रोज आते जाते वैसे ही चलते फिरते उस पर नजर पड़ेगी, एक वैसे ही पढ़ते रहेंगे, तो यकीन मानिए बगैर किसी एडिशनल एफर्ट के, जस्ट इस प्रोसेस के थ्रू विद टाइम आपके दिमाग में वो चीज बैठती जाएगी। और चौथी एक चीज, बिफोर आई शो यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ द चार्ट, एक आखिरी चीज मैं बताऊं कि आपने कोशिश करनी है कि इंफॉर्मेशन में से ना डिफरेंट थीम्स निकालें। कोशिश ये कि वही ना, ऐसे इफेक्टिवली नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना है कि कम से कम चीजें पढ़कर आपको उसकी ज्यादा से ज्यादा चीजों में एप्लीकेशन जो है वो करना आ जाए, ठीक है। तो इस पे आप देखें कि ये अक्सर ये इस्लामियात के हवाले से स्टूडेंट्स को मसला होता है कि हमसे आयात याद नहीं होती, ठीक है, उन्हें वो हदीसें याद नहीं होती, हदीस। तो इसमें मैंने क्या किया था कि बजाय टॉपिक वाइज के एक टॉपिक में उसकी मैं अलहदा अहादीस को रट्टा लगाऊं, उसके अलहदा मैं आयात को रट्टा लगाऊं, मैंने ऐसी कुछ जनरल जेनेरिक आयात अहादीस जो है वो निकाल के एक्सट्रैक्ट कर ली और उनको ऐसे जेनेरिक जो है हेडिंग्स असाइन कर दी, जो मुझे लगता था कि अब मैं ये याद करूंगा ना तो इनकी रिवर्स एप्लीकेशन ज्यादा आसान है, कि अगर मैं ये याद कर लूं कि मीनिंग ऑफ लाइफ के हवाले से कौन सी आयत रेलिवेंट है या हदीस रेलिवेंट है, इस्लाम गाइडेंस टू मैनकाइंड के हवाले से रेलिवेंट कौन सी हदीस है, इस्लाम में जस्टिस के हवाले से कौन सी है, ये याद करता हूँ पहले। और चूंकि इनकी मल्टीपल टॉपिक्स पे एप्लीकेशन है, ये बहुत ज्यादा के इस्लाम के सिविलाइजेशन के पॉइंट में भी आएगा, रूल ऑफ लॉ के पॉइंट में भी आएगा, ये प्रॉफिट की जब पर्सनल एग्जांपल देनी होगी उस पे भी एग्जांपल एप्लीकेबल होगी, तो ये याद करके मेरे लिए अप्लाई करना वहां पे ज्यादा आसान है बजाय इसके कि मैं हर टॉपिक में रटने बैठूं।
तो ये देखे मैंने इसके लिए वो कलर स्कीम भी यूज की, जेनेरिक हेडिंग्स असाइन किए उनको जो है डिफरेंट रेड कलर में, मैंने नीचे आयत लिख ली, उसका इंग्लिश तर्जुमा डिफरेंट कलर में लिख लिया, और ये आपको पीछे मेरी कबर्ड का कलर भी नजर आ रहा होगा कि ये उस पर बेसिकली पेस्ट हुई हुई थी। तो ये आते जाते मैं रोजाना चेंज करना होता था, मैं कबर्ड खोलता था और ये एक नजर इस पर मार लेता था। तो बाय द टाइम मैं एग्जाम में अपीयर हुआ, मेरे ये फिंगर टिप्स पे थी सारी चीजें, और इनकी थीम वाइज एप्लीकेशन में मुझे पेपर में कोई मसलों का भी सामना नहीं करना पड़ा। तो इस तरीके से आप जो है अपना सारा नॉलेज ऑर्गेनाइज करके रिटेन कर सकते। थैंक यू सो मच दाऊद। थैंक यू अनुराग।